छः साल पहले पंजाबी फूड फेस्टिवल में ये सब्जी हमने इंट्रोड्यूस करी थी, सबको बेहद पसंद आई थी। तो चलिए मिलके बनाते हैं, बहुत ही गजब की। तो कैसे हैं मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ गोपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनर्स किचन में। सबसे पहले हम सोया नगेट्स को भिगो लेंगे। तो 1.5 कप सोया नगेट्स लिए मैंने, ये लगभग 3 से 4 लोगों के लिए बहुत रहता है। इसमें डालेंगे हम गर्म पानी, उबलता हुआ गर्म पानी, और इसको सोक कर देंगे लगभग 10 मिनट के लिए। ये सोख भी हो जाएगा, साथ ही साथ इसके अंदर जो एक स्मेल होती है सोया की वो निकल जाएगी। यहाँ पे लिए हमने 2 शिमला मिर्च, 2 छोटे छोटे से प्याज, 1 छोटा सा टमाटर और 3 हरी मिर्च। इन सभी सब्जियों को हम डाइस काटेंगे। प्याज यहाँ पे लिया है 1 का 4 करेंगे इस तरह से, उसके बाद में इसकी इस तरह से फलक निकाल देंगे, खोल देंगे इनको एक एक करके। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि प्याज को थोड़ा छोटा लीजिए, छोटा लेंगे तो इनको 1/2 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हरी मिर्च को भी हम इस तरह से डायमंड शेप में लंबा लंबा काट लेंगे। सारी सब्जियां हमने थोड़ी सी बड़ी बड़ी काटी हैं। एक लाल सा टमाटर है लेकिन टाइट है, और इसको 1/4 1/8 आप कर सकते हैं। ये सारी सब्जियाँ कट गई हैं। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, इनको स्लाइस कर लेंगे। 2 लाल लाल से टमाटर हैं, इनको चॉप कर लेंगे। यहाँ पे फाइन चॉप करना इसको। सोया बड़ी को भी लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसको अच्छी तरह से निचोड़ना होगा। निचोड़ के सारा पानी निकाल दीजिए। ये जो झाग वाला पानी है इसमें एक अजीब सी स्मेल आती है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। जब भी सोया नगेट्स लें किसी ब्रांड का ही लें, लूज़ ना लें, वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। यहाँ पे लिए हमने एक पैन, और पैन में डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच तेल का। तेल जब गर्म हो जाए जो सोया नगेट्स हमने निचोड़ के रखी थी वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नमक सोया बड़ी के हिसाब से, 2-3 चुटकी हल्दी और 2-3 चुटकी लाल मिर्च पाउडर। ये सिर्फ कलर पकड़ने के लिए कि अच्छी तरह से कलर पकड़ ले इसका। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे टॉस करेंगे। लगभग 4 से 5 मिनट सोयाबीन को यहाँ पे टॉस करते हुए हो गया है, और वो एक बढ़िया सा कलर यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब फटाफट से बिना किसी देरी के इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे लिए हमने एक पैन, और पैन में डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच तेल का। और तेल डालने के बाद जो सब्जियाँ हमने काटी हुई थी डाइस में, वो सारी सब्जियाँ इसमें ऐड करेंगे। उनको करना है टॉस, क्योंकि सब्जियों को क्रंच करने के लिए, मतलब क्रंची रहने के लिए, उनको इस तरह से टॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो टमाटर को छोड़ के सारी सब्जियाँ यहाँ पर ऐड कर देंगे। लगभग 1 से 1.5 मिनट हाई फ्लेम पर हमने इनको टॉस किया है। इनमें बढ़िया सा क्रंच है, पूरी तरह से नहीं पकी है, बस इतनी ही हमको पकानी है। बारी आती है कढ़ाई मसाला बनाने की, तो कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे। एक कढ़ाई हमने ले ली है, 2-3 सूखी लाल मिर्च, इसी के साथ में 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया। साबुत धनिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूर डालें, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। और 1 छोटा चम्मच आप यहाँ पर जीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। लो फ्लेम पर इसको भूनेंगे, और एक बढ़िया सी खुशबू आने तक भूनना है हमको। लगभग 1.5 से 2 मिनट हमने इसको लो फ्लेम पर भूना है। एक अच्छी खुशबू आ गई है, बढ़िया कलर आ गया है। फटाफट से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि ये जल जाएगा, क्योंकि हमारी कढ़ाई गर्म है। अब तैयारी करते हैं ग्रेवी की। एक कढ़ाई हमने ली है, इसमें डाल रहे हैं 3 बड़े चम्मच तेल के। तेल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे, उसके बाद में प्याज डालेंगे। प्याज के बाद में 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, और इन तीनों चीज़ों को हाई फ्लेम पर सौते करना है प्याज के ब्राउन होने तक। तो प्याज का कलर आप देख सकते हैं यहाँ, बहुत बढ़िया ब्राउन कलर आ चुका है, और लहसुन को देखेंगे तो हल्का सा कच्चापन आपको दिखेगा, तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इस प्याज में से हम सारा तेल निकाल लेंगे, क्योंकि हमको तेल नहीं चाहिए। जो बचा हुआ तेल है इसी से हम तड़का लगाएंगे आगे, और ये जो प्याज और बाकी चीज़ें हैं इसको निकाल लेते हैं, और इसी की हम ग्राइंडिंग करेंगे। जो प्याज हमने फ्राई करके रखा था वो एक मिक्सर ग्राइंडर में डालते हैं, और इसमें डालते हैं 1 कप दही। दही गाढ़ा होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए, दही खट्टा नहीं होना चाहिए। इसका एक फाइन पेस्ट रेडी करते हैं। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा पेस्ट रेडी हो चुका है। जो कढ़ाई मसाला हमने भून के रखा था इसको भी क्रश कर लेंगे, ये ठंडा हो गया है। अब उसी कढ़ाई में हम 2 तेज़पत्ता चटकाएंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो अब डाल देंगे टमाटर, टमाटर के बाद में नमक, और टमाटर को थोड़ा भून लेंगे। जब टमाटर हल्के से पक जाएंगे उसके बाद हम मसाला ऐड करेंगे यहाँ पे। टमाटर भूनते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, टमाटर पूरी तरह से पके नहीं है। अब मसाला ऐड कर देते हैं यहाँ पे। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक बढ़िया सा चटक कलर आ जाए उसके लिए 2 छोटे चम्मच मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच कच्चा जीरा पाउडर। इस मसाले को टमाटर के साथ में पका लेंगे।
अगर आपको ऐसा लगता है ये ड्राई हो रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं पानी डालूंगा यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डाल के इस मसाले को पकाइए धीमी धीमी आँच पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, टमाटर पूरी तरह से पक चुका है। कैसे पता लगाएं? ये दरदरा हो गया है और रोगन इसने छोड़ दिया है। जो प्याज का पेस्ट हमने दही के साथ पीसा था वो ऐड कर देंगे यहाँ पे। और जैसे ही आपने पेस्ट डाला, फटाफट से इसको स्टर कीजिए, क्योंकि इसके अंदर दही है, और गैस की फ्लेम को कम कर दीजिए, वरना दही कड़ल हो जाएगा, फट जाएगा। मसाले का कलर यहाँ पे डार्क हो चुका है और हल्का हल्का सा रोगन भी दिखने लग गया है। कहने का मतलब ये है कि अब इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। जो सोया बड़ी हमने रोस्ट करके रखी थी वो डाल देते हैं इसके अंदर। हल्का सा मसाले के साथ चलाएंगे इसको, और अब डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा पानी। लगभग आधा कप के आसपास मैं पानी इसमें ऐड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाएगा इसके अंदर। पानी डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होगा, जो सोया बड़ी ड्राई है वो अंदर तक पानी को ऑब्जर्व कर लेगी, ग्रेवी को ऑब्जर्व कर लेगी, तो सॉफ्ट हो जाएगी वो। गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसको पकने दीजिए। लगभग 3 से 4 मिनट हमने इसको पकाया मीडियम फ्लेम पे, और ये देखिए रोगन ऊपर की तरफ आ गया है। भाप से जो पानी बनता है लिट पे, वो वापस से इसी के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी फ्लेवर्स होते हैं पानी में भी। वाह, गजब। सोया बड़ी यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी है क्योंकि इसने ग्रेवी को ऑब्जर्व कर लिया है। अब आ गई सब्जी हमारी यहाँ पे फाइनल स्टेज पे। जो कढ़ाई मसाला हमने बनाया था वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। भुनी हुई कसूरी मेथी 1 बड़ा चम्मच, जो सब्जियाँ हमने टॉस करके रखी थी, और टमाटर, टमाटर कच्चे हैं ये ऐसे ही डालेंगे। ये गया नाम का गर्म मसाला 1/4 छोटी चम्मच। सब्जी का कलर देखिए आप, कितनी शानदार लग रही है। कोई भी रेसिपी होती है उसको देख के पता लगा लिया जाता है कि सब्जी का टेस्ट कैसा आने वाला है। बहुत ही बेहतरीन सब्जी बनी है ये। अब ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको, बस सब्जियों को मिक्स करना है। इसको फिनिश करते हैं ढेर सारा धनिया श्रद्धा अनुसार के साथ। अगर ऐसी सब्जी मिलेगी तो बाहर ढाबे या रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। ना हमने इसमें क्रीम डाला, ना ही काजू पेस्ट डाला, फिर भी देखिए आप सब्जी की थिकनेस देखिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की लग रही है। गैस की फ्लेम को करते हैं बंद और फटाफट से सर्व कर लेते हैं। इस सब्जी को आप राइस के साथ खाइए या फिर रोटी के साथ में, सबके साथ में इसका टेस्ट बहुत ही गजब का आने वाला है। तो चलिए इसको ट्राई करके देख लेते हैं कैसी बनी है। बहुत ही गजब की।